Hello CSET students, once again how are you? So let's start with economics with Prachi ma'am. चलिए तो last lecture में हम लोग chapter number 1 that is what demand हमारा शुरू कर चुके थे, जिसमें एक बार हम लोग एक छोटा सा quick revision कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था. ठीक है, in last lecture we have studied about desire. Desire is what? Mere a wish. जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिज़ायर सिर्फ मेरी एक क्या होती है, विश होती है. उसके बाद सेकंड डिमांड, डिमांड इज व्हाट? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू बाय. ऐसे करके हम लोगों ने डिज़ायर और डिमांड का मीनिंग देखा था. और डिमांड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, एवरीवन नोज दैट. फिर हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें हम लोगों ने 7 पॉइंट्स देखे थे. प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ऐसे करके हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी लास्ट लेक्चर में देख लिया था. टुडेज लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिमांड, दैट इज वॉट लॉ ऑफ डिमांड. अब हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ पढ़ने वाले हैं. हम इकोनॉमिक्स में भी लॉ रहते हैं, हाँ. इकोनॉमिक्स के लॉ मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉ विच तुषार सर इज टीचिंग यू. आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ये इकोनॉमिक्स का लॉ है जो इकोनॉमिस्ट लोगों ने बनाए हैं. ठीक है, तो अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल. मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को प्रोपाउंड किसने किया है बेटा, दिया किसने है? प्रोफेसर या डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल. ये लॉ को लाने वाले, बनाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले पर्सन का नाम है डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल. और इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में खास करके मैक्सिमम लॉ इन्हीं ने बनाए हैं. ठीक है, इनके पास यही काम था, बहुत सारे लॉज बना दो और जो बच्चे बेचारे आगे आने वाले, न्यू जनरेशन आने वाली, उनको बोलो कि अब तुम पढ़ो, मैंने तो बना दिए. तो ये बाबा जी का वही काम था लॉ बनाने का. सो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. उनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. उसमें इन्हें, वो बुक में इन्हें ये लॉ को प्रोपाउंड किया जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड. ठीक, चलिए. तो मैम क्या एक्सप्लेन किया एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में? तो एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया द रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. एल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन हिज लॉ, लॉ ऑफ डिमांड. समझ में आया? एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच की क्या एक्सप्लेन करी बेटा? रिलेशनशिप एक्सप्लेन करी. और उनने ये कहा कि प्राइस और डिमांड के बीच की ही रिलेशनशिप मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी? कॉन्स्टेंट रहेगी. मैम ये लाइन का मतलब सुनिए. तो एल्फ्रेड मार्शल का कहना ये था कि डिमांड अगर चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण होगा, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट माने जाएंगे. क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट. सो ही सेड दैट कि डिमांड विल चेंज ड्यू टू प्राइस एंड ऑल दी अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट. उनके कहने का मतलब ये था कि अगर डिमांड चेंज होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण होगी, और बाकी सारी चीज़ों को मैं क्या मान के चलूँगा? कांस्टेंट मान के चलूँगा. मतलब डिमांड अगर अफेक्ट होगी तो सिर्फ प्राइस के कारण, और उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट. वंस अगेन, डिमांड विल बी अफेक्टेड ओनली ड्यू टू प्राइस एंड ऑल दी अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड इज ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट. समझ में आया बेटा आप लोगों को? चलिए, तो अब क्या रिलेशनशिप एक्सप्लेन करी अल्फ्रेड मार्शल ने? तो सुनिए, अल्फ्रेड मार्शल का बोलना ये था कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है. ये तो हमें भी पता था, लेकिन यही चीज़ अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ में एक्सप्लेन करी. और ये नॉर्मल बात है ना, बींग अ कंज्यूमर, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी. यही रिलेशनशिप को अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ में एक्सप्लेन किया, ये कहते हुए कि यहाँ पे डिमांड अगर अफेक्ट होगी तो सिर्फ प्राइस के कारण, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे. तो चलिए, आपको प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप देख के क्या समझ में आ रहा है? कि दोनों इनवर्स हैं. एक अगर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, मतलब रिलेशनशिप कैसा है? दोनों का अपोजिट. तो ये अपोजिट रिलेशनशिप को इकोनॉमिक्स की भाषा में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है.
समझ में आया? ये अपोजिट रिलेशनशिप को इकोनॉमिक्स की भाषा में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो देयर इज अ अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो द रिलेशनशिप इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप और इधर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आया? आप इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है सुनिए, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। सेम एज व्हाट स्टेटमेंट इज सेम, कि इफ द हायर इज द प्राइस, ठीक है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इफ लोअर इज द प्राइस, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। वही एरोज वाली चीज को, वही जो हम ऊपर पढ़ के आए उसको उन लोगों ने एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दिया है, स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा अजम्पशन है ये स्टेटमेंट में, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब मैं बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मान के चल रही हूँ, कांस्टेंट, डिमांड विल ओनली अफेक्ट ड्यू टू प्राइस। समझ में आया? गुड। अब इकोनॉमिक्स में जब कभी भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं, वेन एवर यू स्टडी एनी काइंड ऑफ लॉ, तो उस लॉ का स्केड्यूल और ग्राफ पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में टेबल को स्केड्यूल कहा जाता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? सो वी आर गोइंग टू स्टडी स्केड्यूल एंड ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फॉर द क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, टू स्टडी स्केड्यूल एंड ग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए हमें स्केड्यूल और ग्राफ पढ़ना दोनों ही आवश्यक है। चलिए स्केड्यूल क्या कह रहा है, देखिए, प्राइस बढ़ रही है क्या? एक मिनट, प्राइस बढ़ रही है क्या? यस मैम, प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो अब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है? डिमांड कम हो रही है। यही हम लोग ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ के आए थे। तो प्राइस अगर बढ़ती है, मतलब दो स्टेटमेंट थे, लेकिन हम कोई सा भी एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। तो हमने कौन सा वाला लिया? हायर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस क्या हो रही है? प्राइस इज इंक्रीजिंग, सो द डिमांड इज डिक्रीजिंग। बराबर, स्केड्यूल हमें क्या बता रहा है कि प्राइस अगर किसी कमोडिटी की बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। सेम इन द स्केड्यूल, 10, 20, 30, 40, 50, प्राइस इज इंक्रीजिंग, 500, 400, 300, 200 and 100, डिमांड इज डिक्रीजिंग। अब इसी स्केड्यूल की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। सी, आई हैव ड्रॉन द ग्राफ, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस। y एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया है और x एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? डिमांड लिया है। तो मैं प्राइस के एक्सिस पे लिख दूंगी 10, 20, 30, 40, 50 और डिमांड एक्सिस पे मैं लिख दूंगी 100, 200, 300, 400, 500। और मैं फिर क्या करते जाऊंगी? प्लॉटिंग। कैसे? 10 पे कितना है? 500। 20 पे कितना है? 400। ऐसे करके मैं क्या करूंगी? प्लॉट कर दूंगी। और फिर प्लॉटिंग करने के बाद वो पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगी? ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के बताती हूँ, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपकी प्राइस, ये है आपका डिमांड। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम, मैं चीज़, भले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लियरली बोल रही हूँ, पर वो आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, तो बना के बताऊंगी तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज समझ लीजिए, ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, ये आपका क्या है? प्राइस। और ये आपका 100, 200, 300, 400 और 500, ये आपका क्या है? डिमांड। चलिए अब प्लॉट करते हैं। 10 पे कितना है सॉरी 10 जब प्राइस है तो उस पर डिमांड कितनी है बेटा, बताओ जल्दी? 500। तो कर दिया मैंने ये 500 पे पॉइंट। फिर 20 पे 400, फिर 30 पे 300। ठीक है, एक मिनट। चलिए फिर उसके बाद 30 पे हो गया, 40 पे 200 एंड 50 पे 100। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिए? पॉइंट्स बना लिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं क्या कर लूँगी? ज्वाइन कर लूँगी।
इन्हीं पॉइंट्स को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो प्रॉपरली, अगर आप पॉइंट्स एक लाइन में करो तो प्रॉपर वो लाइन बनती है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपका क्या बन गया, इसको कहते हैं हम लोग डिमांड कर्व, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर्व, ठीक है। अब इफ एनीवन विल आस्क यू, ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि मैम डिमांड कर्व का पोजीशन कैसा है, ठीक है, इफ एनीवन विल आस्क यू कि डिमांड कर्व कैसा होता है बताओ, तो आप पता है उसको क्या आंसर दोगे, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझ में आया, मैंने आपको कहा कि द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दिख भी रहा है ना, सी इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, बराबर, द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये वो कर्व का क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इफ माई स्टूडेंट्स विल आस्क मी कि मैम वॉट इज द रीजन बिहाइंड द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, सो द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण आपका डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि डिमांड कर्व कौन से साइड स्लोप करता है, तो क्या लिखोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट। समझ में आया, एमसीक्यू में आ सकता है कि डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम, तो क्या लिखोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या टिक करोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन बिहाइंड दैट इज कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझ में आया, जब ये वाली बात और एक समझ ही लो, जब कभी भी चीजों में इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, अपोजिट रिलेशनशिप रहेगा, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा। समझ में आया, अगर आप इसका वाइसे वर्सा एग्जाम्पल भी लेते हैं ना, कि प्राइस अगर कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो भी तो रिलेशनशिप इनवर्स ही है, तब भी आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, चाहे आप ये वाले स्टेटमेंट से एक स्केड्यूल ग्राफ बनाओ, चाहे आप इसके वाइसे वर्सा स्टेटमेंट से स्केड्यूल ग्राफ बनाओ, ठीक है, हमेशा आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा, क्योंकि जब कभी भी चीजों में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है तो उसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहता है। समझ में आया, वापस से सुनिए, जब कभी भी चीजों में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है तो उसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को, वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या एक्सप्लेन किया हमने कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कॉन्स्टेंट, इफ प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज एंड इफ प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। कैसी रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये सारी छोटी छोटी बातों पे एमसीक्यू आते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान से सुना करें। अब आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो कैसी रिलेशनशिप है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फिर स्टेटमेंट पढ़ा था, फिर हम लोगों ने उसका क्या देखा, स्केड्यूल देखा, और फिर क्या देखा, ग्राफ देखा। ग्राफ के नीचे ही मैंने लिख रखा है द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझ में आया बेटा आप लोगों को, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये जो भी मैंने आप लोगों को स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट इन योर नोटबुक, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको अपनी नोटबुक में, तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है मान के चलना, अजम्पशंस का मतलब होता है मान के चलना, है नहीं है वो बात की बात है, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ये सारी बातें होगी ही। मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने जब लॉ बनाया, लॉ ऑफ डिमांड, तो उनने वो लॉ को अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारी बातें अज्यूम करी, ठीक है, ताकि उनका लॉ अप्लाई हो सके।
प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। इसलिए उनने काफ़ी सारी बातों को क्या किया बेटा, अज्यूम किया। अज्यूम मतलब मान के चलना, है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम मान के चल रहे कि ऐसा होगा ही। और सबसे बड़ा अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड बनाते समय अल्फ्रेड मार्शल ने लिया, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। आप जब से मेरे मुंह से एक लाइन सुन रहे हैं, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, आपके दिमाग में एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं आया क्या, हम कौन से फैक्टर्स, विच फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना भाई। From that time only, other factors being constant, other factors being, अरे which factors? So now I will tell you कि which factors are treated to be as constant. मतलब जो अभी हम लोग list पढ़ने वाले हैं ना, वो list ये indicate करता है कि ये सारी बातें demand को affect नहीं करेंगी at the time of law of demand, और demand को अगर कोई affect करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, price है। समझ में आया? तो लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशंस, ये अजम्पशंस के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बेस्ड है कि अगर डिमांड चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण, और ये सारे फैक्टर्स क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। और ये अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट को लैटिन टर्म में कैटेरिस पैरिबस कहा जाता है। समझ में आया? कैटेरिस पैरिबस का ही मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। समझ में आया? ये उसका लैटिन टर्म है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन क्या क्या अजम्पशंस है, क्या क्या अजम्पशंस लिए अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ को अप्लाई करने के लिए। चलिए, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज आने वाला नहीं है, कंज्यूमर की इनकम कॉन्स्टेंट रहेगी। जब मैं लॉ ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई करूंगी तो अगर डिमांड चेंज होगी तो सिर्फ प्राइस के कारण, इनकम के कारण नहीं, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि इनकम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इनकम विल बी ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन इनकम, इनकम विल बी कांस्टेंट, डिमांड विल बी अफेक्टेड ओनली ड्यू टू प्राइस। सेकेंड पॉइंट, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, there will be no change in consumer taste, habit, preferences, ये सब में भी change आने वाला नहीं है, सारी चीज़ें क्या रहेंगी, constant। आप लोग देख रहे होंगे तो एक बात ये सारे 10 point में common है, क्या बताओ, no change, क्या common है, no change, क्योंकि हम ये मान के ही चल रहे हैं ना कि ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, constant, मतलब ये सारी चीज़ें बदलने वाली नहीं है, demand अगर affect होगा तो सिर्फ price के कारण, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नो चेंज इन फैशन, फैशन में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, जैसा फैशन है वैसा ही रहेगा। फोर्थ, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कितने तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, अभी पढ़ के आए थे हम लोग, दो, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इनकी प्राइस में भी चेंज होने वाला नहीं है, वो भी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेज और चेंज और शॉर्टेज, फ्यूचर प्राइस की भी मैं कोई एक्सपेक्टेशन करने वाली नहीं, फ्यूचर प्राइस के कारण मैं आज की डिमांड को चेंज करने वाली नहीं। फिर उसके बाद, नो चेंज इन एज कंपोजिशन सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, सिंपल भाषा में नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी कोई चेंज आने वाला नहीं है, पॉपुलेशन विल ऑल्सो बी ट्रीटेड टू बी एज कॉन्स्टेंट। सेवेंथ पॉइंट, नो चेंज इन रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, जो रेंज के जो भी गुड्स मार्केट में अवेलेबल है वही अवेलेबल रहेंगे, उसमें भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। समझ में आया? फिर, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वैसे ही होगी, उसमें भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, इट शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। किसी को 10 मिल रहा, किसी को 100 मिल रहा, किसी को 50 मिल रहा, तो वही रहने वाला है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना टैक्स में आएगा ना सब्सिडी में आएगा, नो चेंज इन टैक्स, नो चेंज इन सब्सिडी, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपके डिमांड को अफेक्ट करने वाली नहीं है, ठीक है। मैम सब्सिडी, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक,
गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स पब्लिक को देता है उसको सब्सिडी कहा जाता है। तो ना टैक्स में चेंज आने वाला है ना सब्सिडी में चेंज आने वाला है। 10th, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस में भी चेंज होने वाला नहीं है। तो हम क्या मान के चल रहे राजा, टेल मी फास्ट कि ऑल द थिंग्स आर ट्रीटेड टू बी एज कॉन्स्टेंट, ऑल दिस फैक्टर्स, ऑल दिस 10 थिंग्स शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट एंड डिमांड विल ओनली चेंज ड्यू टू प्राइस। Law of demand explains the relationship between price and demand, and all the other factors are treated to be as constant. They will not change, मतलब बाकी सारे factors क्या रहेंगे, constant रहेंगे, they will not change at all. समझ में आया? समझा सबको अच्छे से? I have tried my level best to explain the law of demand. यहाँ पे हमारा general law of demand का basic concept खत्म होता है, ठीक है? चलिए, होप सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं कभी कभार एक लिंक में इसीलिए कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करती हूँ ताकि आप लोग ध्यान से सुने और आपके कान मेरे ऑडियो पे लगे रहें, ठीक है, समझ में आए, ताकि आप लोगों को चीज़ें एक लिंक में समझ में आए। मैं बीच बीच में अगर कुछ हंसी मजाक करने के चक्कर में अगर टॉपिक का लिंक ब्रेक करूँगी तो वो आपको भी नहीं समझेगा और मुझे भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हंसी मजाक भी हम लोग करेंगे, मस्ती मजाक भी हम लोग करेंगे, लेकिन समय समय पर, ठीक है। ईटी आपको क्लियर करना है ना, जल्दी से एग्जीक्यूटिव में पहुंचना है, फटाफट फटाफट, सो एक्साइटेड टू बी इन एग्जीक्यूटिव, राइट? ओके, चलिए। तो हम लोगों ने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड, पढ़ लिया उसका स्केड्यूल, पढ़ लिया ग्राफ, पढ़ लिया उसका अजम्पशंस, पढ़ लिया, ठीक है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो स्लाइड वाला अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना ना, ठीक है, ताकि आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड की दिमाग में क्या रहे, क्लियरिटी रहे, ठीक है गाइस। ओके, चलिए। कभी कभार आप लोगों को मेरे लेक्चर में ऐसे नींद वींद तो नहीं आ जाती ना, आती है क्या? ठीक है, तो बीच बीच में मैं आप लोगों को जगा दिया करूँगी, गुड मॉर्निंग ऐसे बोल के, ठीक है, ताकि आप लोग सोए ना। ओके, अगर अभी आप लोग सो गए होंगे तो वापस से गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग राजा, गुड मॉर्निंग रानी, ऑल ऑफ यू। अब क्या है, आई डोंट नो योर नेम्स, नो, So I used to say Raja and Rani to girl and boy, ठीक है, समझ में आया? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द लेक्चर इज एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोला मैंने, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब मैम, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले आप लोगों को उसकी हेडिंग का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ की हेडिंग को नहीं समझोगे, उसके अंदर का कंटेंट आपको नहीं समझ में आएगा। तो मेरे टॉपिक का नाम क्या है, क्या है हमारे टॉपिक का नाम, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड का मतलब होता है जहाँ पे जनरल लॉ अप्लाई नहीं होता। जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए लॉ ऑफ डिमांड, वो आपका क्या है, जनरल लॉ, वो आपका क्या है, जनरल लॉ। और जहाँ पे आपका जनरल लॉ अप्लाई नहीं होता उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू दी डिमांड, एक्सेप्शंस टू दी लॉ, समझ में आया? जैसे मैंने अपने सपोज एक स्कूल है और वो स्कूल में स्पोर्ट्स वीक अनाउंस किया गया सबके लिए, तो जनरल क्या है, स्पोर्ट्स वीक इज़ फॉर ऑल, ठीक है। मैंने एक स्पोर्ट्स वीक अनाउंस किया मेरी स्कूल में एंड इट इज़ फॉर ऑल, लेकिन मैंने क्या किया, चार बच्चों को अलग कर दिया कि यू आर नॉट, यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स वीक। मैंने वो चार बच्चों को बोला, आई सेड दैट फोर स्टूडेंट्स कि यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स वीक। तो जनरल रूल क्या है कि ऑल विल पार्टिसिपेट इन दैट स्पोर्ट्स वीक एक्सेप्ट दैट फोर, मतलब उन चार लोगों को जनरल लॉ आपका अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो लोग क्या है, एक्सेप्शंस है, समझ में। और मैम उनको क्यों अलग किया, क्योंकि वो मस्ती करते, इसलिए मैंने बोला यू आर नॉट अलाउड, ये पनिशमेंट है आपकी। मैं आपको एक्सेप्शंस का मीनिंग समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रही हूँ। कभी कभार हम लोग जनरल लैंग्वेज में भी, जनरली भी हमारी लाइफ में बोल देते ना, एक्सेप्ट दीज, एक्सेप्ट दैट, मतलब उस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अभी जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं ना, इसके ऊपर आपका जनरल लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। जनरल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है आपका, प्राइस बढ़ती तो डिमांड कम होती, प्राइस कम होती तो डिमांड बढ़ती। लेकिन एक्सेप्शंस का कहना है कि हर जगह ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है, हर जगह ऐसा हो, ऐसा आवश्यक नहीं। तो जहाँ पे ऐसा नहीं होता
उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जहाँ पे प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम नहीं होती, ठीक है, ऐसे केसेस को हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ। मतलब जहाँ पे आपका जनरल लॉ अप्लाई नहीं होता उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ, कि मतलब यहाँ पे आपका जनरल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों के दिमाग में खलबली मची होगी, ठीक है, वो चल रहा होगा कि मैम ठीक है हमको मीनिंग तो समझ में आ गया, बट ऐसे कुछ केसेस भी तो बताइए कि जहाँ पे एक्चुअली में लॉ अप्लाई नहीं होता। सो देयर आर सम 4 to 5 एक्सेप्शंस जहाँ पे आपका ये जनरल लॉ अप्लाई नहीं होता, और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, यही हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल विच मे बी कैटेगराइज आर एस फॉलोज। तो अब देखेंगे कि क्या क्या है जहाँ पे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आपका ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मैम, आज से पहले तो गिफन गुड्स नामक कुछ नहीं सुना, नॉर्मल गुड्स सुना, सुपीरियर गुड्स सुना, इंफीरियर गुड्स सुना, लेकिन गिफन गुड्स नो आइडिया अबाउट दैट। पहली बात, गिफन गुड्स जैसा कुछ नहीं होता। गिफन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज अ सरनेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जिसने ये कंसेप्ट लाया है उसके नाम पे ये गुड्स का नाम रख दिया गया। मतलब एक्चुअली देर वॉज अ पर्सन जिसने ये कंसेप्ट लाया, इसलिए उसका नाम ही गिफन गुड्स रख दिया गया, ठीक है। एक्चुअली में ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये इन्फीरियर गुड्स के ऊपर हुआ था। सर रॉबर्ट गिफन ने एक्सपेरिमेंट किया था इन्फीरियर गुड्स के ऊपर, तो इन्फीरियर गुड्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इन्फीरियर गुड्स का नाम क्या रख दिया गया, गिफन गुड्स रख दिया गया। देर वॉज अ पर्सन इन इंग्लैंड नोन एज सर रॉबर्ट गिफिन, तो रॉबर्ट गिफिन सर ने इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन्फीरियर गुड्स के ऊपर, तो उनने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसलिए इन्फीरियर गुड्स का नाम गिफिन गुड्स रख दिया गया। तो गिफिन गुड्स आर नोन एज इन्फीरियर गुड्स, या इन्फीरियर गुड्स आर नोन एज गिफिन गुड्स। समझ में आया आपको इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? लो क्वालिटी गुड्स। समझ में आया? या जिनकी प्राइस कम होती है, जो सस्ते में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके इन्फीरियर गुड्स का या गिफन गुड्स का केस समझाऊंगी जहाँ पे ये लॉ अप्लाई, आपका जनरल लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सुनिए, एक स्टोरी टाइप है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो सर रॉबर्ट गिफिन ने किया उसको मैं एक स्टोरी टेलिंग टाइप में आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो वंस अपॉन अ टाइम इन स्टोरी बाबा लिसन, थोड़ा पीजे था पर मारना पड़ता है कभी कभी, ओके चलिए। तो क्या हुआ, सर रॉबर्ट गिफिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंग्लैंड में, तो उनने इंफीरियर गुड्स को कंसिडर किया फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, सर रॉब तो इंफीरियर गुड्स कौन सा लिया मैम उनने, तो उनने लिया ब्रेड, ठीक है, हमारे लिए रोटी, उनके लिए ब्रेड। हम लोग अगर लेंगे तो रोटी कहेंगे, और उनने वहाँ पे इंग्लैंड में किया इसलिए उनने क्या कंसेप्ट लिया, ब्रेड वाला कंसेप्ट लिया, ठीक है। तो क्या हो रहा था, पहले अभी तक के सर रॉबर्ट गिफिन 10 रुपए में 5 रोटी खरीद रहे थे। कितनी रोटी खरीद रहे थे? 10 रुपए में 5 रोटी, एंड 5 रोटी प्राज ब्रेड, तो 5 ब्रेड्स आर सफिशियंट फॉर हिम। उनका पेट भरने के लिए उनको ऐसा लगता था कि 5 ब्रेड उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, तो वो 10 रुपीज़ में 5 ब्रेड्स खरीदते थे। दैट मीन्स 2 रुपीज़ का एक ब्रेड हुआ। ओके मैम, समझ गया। यानी बात क्या हो रही है कि पहले वो क्या कर रहे थे, 10 रुपए में 5 ब्रेड खरीदे, 10 रुपए में कितनी ब्रेड खरीद रहे थे, 5। लेकिन फिर क्या हुआ बाद में, 5 रुपए में 5 ब्रेड आने लगी, मतलब ब्रेड के जो ब्रेड की जो प्राइस है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब ब्रेड की प्राइस कम हुई है तो जनरल लॉ क्या बोलता है कि ब्रेड की डिमांड बढ़नी चाहिए थी क्योंकि ब्रेड की प्राइस कम हुई है। लेकिन सर रॉबर्ट गिफन बोलते हैं कि भैया अगर ब्रेड की प्राइस अगर कम हुई है, अगर मुझे अब 5 रुपए में 5 ब्रेड अगर मिल रही है, तो मैं 10 ब्रेड क्यों खरीदूंगा। सर रॉबर्ट गिफन के पास कितने रुपए है? 10, ठीक है। तो अब
₹5 में 5 ब्रेड मिल रही है उनको, यानी ₹10 में से ₹5 उनके पास बच रहे हैं बराबर, और उनको रिक्वायरमेंट कितनी ब्रेड की है, 5 ही ब्रेड की है। तो ₹5 में अगर उनको 5 ब्रेड मिल रही है तो उनका कहना ये था, अरे बचे हुए ₹5 में से मैं कुछ और कमोडिटी खरीदूंगा ना, सब्जी खरीदूंगा, मीट खरीदूंगा या व्हाटएवर द थिंग्स। तो उनका कंक्लूजन ये था कि भले ही ₹10 की प्राइस कितनी हो गई, 5, लेकिन ब्रेड की डिमांड अभी भी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे प्राइस कम हुई लेकिन डिमांड बढ़ी नहीं, समझ में आया। तो कंक्लूजन ये निकला कि इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर उनकी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती नहीं है। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इफ देयर प्राइस इज डिक्रीज सो देयर डिमांड इज नॉट इंक्रीज्ड। समझ में आया क्या, समझा आप लोगों को, यही सर रॉबर्ट गिफन एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। और देखो मैंने एग्जांपल भी दिया आप लोगों को, 10 से 5 आपकी प्राइस हो गई लेकिन क्या आपकी डिमांड बढ़ी ब्रेड की, नहीं, वो 5 की 5 ही है, मतलब डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं है। और ऑब्वियस बात है ना यार, जब मुझे 5 ब्रेड ₹5 में मिल रही है तो मैं बचे हुए ₹5 वापस ब्रेड में क्यों खर्चा करूँ, मैं उससे कुछ और खरीदूंगा, मैं उससे कुछ और अच्छी चीज़ खरीदूंगा, चॉकलेट खरीदूंगा, लेकिन और 5 ब्रेड खरीद के 10 ब्रेड का क्या माथे में मारूं। समझ में आया बेटा आप लोगों को, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स। ये आपका क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ है। क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ। और एग्जांपल से समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। होप सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स। मैंने अपनी तरफ से लेवल बेस्ट ट्राई किया कि मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। इन द केस ऑफ सर्टेन इन्फीरियर गुड्स कॉल्ड गिफन गुड्स नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन, वही सेम हम लोगों ने पढ़ा कि इन्फीरियर गुड्स को सर रॉबर्ट गिफन से नाम मिला, गिफन गुड्स। व्हेन द प्राइस फॉल, इन्फीरियर गुड्स की जब प्राइस फॉल होती है, क्वाइट ऑफन लेस क्वान्टिटी विल बी परचेस्ड दैन बिफोर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इनकम अफेक्ट एंड पीपल्स इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर सुपीरियर कमोडिटी विद द राइज इन देयर रियल इनकम। इन लोगों ने बहुत हैवी लैंग्वेज में उस चीज़ को बोला, लेकिन उस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जब अगर किसी चीज़ की, इन्फीरियर गुड्स की अगर प्राइस अगर फॉल होती है तो उसकी हम लोग कम डिमांड करते हैं, क्योंकि हम अब क्या, हमारा अब इनकम इफेक्ट बढ़ गया। इनकम इफेक्ट बढ़ना मतलब पहले मेरे को जो चीज़ 5-10 रुपये में मिल रही थी, अब वो 5 रुपये में मिल रही है, तो मेरे पास 5 रुपये बच रहे हैं, मतलब मेरे पास इनकम बच रही है, इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो मेरे पास इनकम बच रही है तो अब मैं सुपीरियर कमोडिटी को खरीदने की तरफ भागूंगा, क्योंकि मेरा इनकम इफेक्ट क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझ में आया। तो अगर इन्फीरियर गुड्स की अगर प्राइस कम होती है तो मैं उसको कम खरीदती हूँ, ठीक है, और मैं सुपीरियर गुड्स की तरफ भागती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे बच रहे हैं, यही उस स्टेटमेंट का मतलब है। और उनने कुछ गिफ्ट एंड गुड्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, ब्रेड, राइस एंड वीट। समझ में आया, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर गिफ्ट एंड गुड्स। इसके 2-3 एक्सेप्शंस और हैं, लेकिन आज के लेक्चर में इतना हैवी डोज आप लोगों के लिए काफ़ी है, आगे का भी पढ़ाया तो सब बाउंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एक्सेप्शंस देखेंगे और बाकी की बातें भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है गाइज। सो होप सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर उसके बाद स्केड्यूल पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, अजम्पशंस पढ़े और एक्सेप्शंस पढ़े। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, एक बार बता दीजिए। एक्सेप्शंस इज दैट वेयर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाइज, जनरल लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाइज, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। समझ में आया। उसमें सबसे पहला पॉइंट गिफ्ट एंड गुड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, टाटा बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, बाय बाय गाइस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है गाइस, बाय।